Assalamu alaikum and a very happy good morning to all of you dear students. How are you? I hope you all will be fit and fine. Dear students, teacher Maimuna is here with your favorite subject IT, which is information technology, and our book name is Computer Whiz. Dear students, you all must have this book with you. I am showing you your book. This is your book, dear students. I hope कि आपने lesson number 1, 2 जो भी हुए ये आपने अच्छी तरह से prepare किए होंगे, अपनी activities अच्छे से perform की होंगी. Students, अभी तक हमने अपने previous lesson में first of all हमने Viz के साथ friendship की. Viz हमारा दोस्त है जो हमें computer के बारे में बहुत सारी information हमें पहुंचाता है, जो हमें computer के बारे में. Viz ऐसा हमारा friend है जिसको machine के साथ में machines में बहुत interest है, जो हमें computer के बारे में बहुत अच्छी अच्छी information provide करता है. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि पीसी क्या होता है. पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर कि जिसको एट अ टाइम जस्ट वन पर्सन यूज़ कर सकता है. इसके अलावा हमने बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी. उन एक्टिविटीज़ में हमने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग थी, वर्ड कंप्यूटर के लेटर्स को लेकर हमने छोटे छोटे डिफरेंट और वर्ड्स बनाए थे. आई होप कि आपने अपनी बुक्स पे फिल कर लिया होगा. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जो आंसर क्वेश्चन हमने अभी तक किए, वो आप साथ साथ अपनी बुक और अपनी कॉपी पे नीटली अपनी कॉपी पे परफॉर्म करते जाएं, फिल करते जाएं, ताकि जब आप स्कूल वापस आएँ तो आपकी बुक जितना हमने कवर कर लिया हो अपना सिलेबस, इतनी आपकी बुक भी कम्प्लीट हो और इतना सा आपको लेसन भी प्रिपेयर हो. जी तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने देखा कि पर्सनल कंप्यूटर की कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी. पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, जो भी हम यूज़ करते हैं, ऐसे कंप्यूटर के जो एट अ टाइम यानी एक वक्त में सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही इंसान यूज़ कर सकता है, उसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखे हैं कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी जो हमारी लैब में कंप्यूटर हैं, स्कूल लैब में जो कंप्यूटर हैं, वो हैं हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर. यानी उनको एक बच्चा एक टाइम में एक ही बच्चा यूज़ कर सकता है. ऐसे तो नहीं हो सकता कि मॉनिटर एक अलग से स्टूडेंट यूज़ करे, कीबोर्ड अलग से कोई और यूज़ कर ले, उसका जो माउस है वो कोई और बच्चा यूज़ कर ले. तो अलग अलग उसके पार्ट्स अगर कोई यूज़ करेगा तो ये यूज़फुल नहीं होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो ऐसा कंप्यूटर कि जो एट अ टाइम सिर्फ एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है, उसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर. और डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर की एग्जांपल थी. उसके बाद फिर हमने देखा कि कंप्यूटर हमारे काम कैसे कैसे आता है, कंप्यूटर को हम यूज़ कैसे करते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने रीडिंग में देखा, रीडिंग में हमने पढ़ा ये कि हम कंप्यूटर में स्टोरीज़ रीडिंग कर सकते हैं, स्टोरीज़ राइट कर सकते हैं, कंप्यूटर देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, और बहुत से ऐसे काम करने में कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है कि जो काम करने में हम ज़्यादा टाइम लेंगे या फिर जो काम करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो कंप्यूटर उसको बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी के साथ हमारे लिए वो काम कर देता है. फिर देखा हमने कि Viz ने हमें ये कमांड भी दी कि हमने कंप्यूटर को वेललिट एरिया में यूज़ करना है, यानी ऐसे एरिया में जहाँ पर अच्छी सी रोशनी हो. कम लाइट में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी आईसाइट पे इसका बुरा असर बढ़ सकता है, आपकी आईसाइट वीक हो सकती है. तो Viz ने हमें कमांड दी कि हमने कंप्यूटर को वेललिट एरिया में यूज़ करना है. फिर हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की जिसमें हमने ये बताया कि हम कंप्यूटर को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी कि आप कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज़ होता हुआ देखते हैं, कंप्यूटर कहाँ पर यूज़ होता है. तो उन प्लेसेस के हमने नेम लिखे, साथ में उनकी पिक्चर पेस्ट की. तो क्लास, आज फिर हम ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे.
ओपन योर बुक्स पेज नंबर 5, और पेज नंबर 5 पे आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन है, कलेक्ट सम डेटा अबाउट योर फेवरेट एनिमल, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट एनिमल इन द एम्प्टी फ्रेम। तो प्यारे बच्चों, आपने ये करना है कि ये जो आपके पास एम्प्टी फ्रेम है, जहाँ पर आपने अपने फेवरेट एनिमल की पिक्चर पेस्ट करनी है या फिर अपने खुद से ड्रा करनी है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके फेवरेट एनिमल के बारे में। देखिए, सबका कुछ ना कोई फेवरेट एनिमल होगा, तो आपने सबसे पहले अपने फेवरेट एनिमल का नाम लिखना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल। तो आपने अपने फेवरेट एनिमल का नेम यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, वेयर डज इट लिव, कि जो आपका फेवरेट एनिमल है, आप वो कहाँ पर रहता है, जो आपका फेवरेट एनिमल है वो कहाँ पर रहता है, जंगल में रहता है या फिर वो कोई पेट एनिमल है जो घरों में रहता है, जिसको लोग शौक से पालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डज इट ईट, कि आपका जो फेवरेट एनिमल है वो क्या खाता है, वो मीट खाता है या फिर ग्रास खाता है या जो भी खाता है, आपने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ लॉन्ग डज इट लिव, कि जो आपका फेवरेट एनिमल है उसकी उम्र कितनी होती है, वो कितने ज़िंदा रहता है। तो ये आपने अपनी एक्टिविटी जो है इसको अपनी बुक पे फिल कर लेना है। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने सोचना है कि आपको कौन सा एनिमल आपको पसंद है, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है, उसका नाम लिखना है। फिर आपने बताना है कि वो कहाँ पर रहता है। फिर व्हाट डज इट ईट, कि वो क्या खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ लॉन्ग डज इट लिव, कि वो कितना लंबा अरसे तक ज़िंदा रहता है। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अपनी बुक फिल करेंगे अच्छे से, पेज नंबर 5 फिल करेंगे। नाउ ओपन योर कॉपीज़, क्लास वर्क कॉपीज़। आई होप कि आप सबके पास अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ होंगी और आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी तक हमने किया वो आपने अपनी कॉपीज़ पे राइट भी कर लिया होगा और उसको अच्छे से याद भी कर लिया होगा। तो अपनी क्लास वर्क कॉपियाँ ओपन कर लीजिए। अभी हम इंशाल्लाह सवजल नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, अच्छे से उसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद उसको अपनी कॉपीज़ पे लिखेंगे भी और फिर उसको याद भी करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 विज एंड कंप्यूटर्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, व्हाट डज पीसी स्टैंड फॉर। आई होप के बहुत सारे बच्चों के माइंड में इसका आंसर आ चुका होगा, आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। यस, वेरी गुड स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। यस, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, व्हाट डज पीसी स्टैंड फॉर। तो आंसर है इसका, पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। नाउ ओपन योर कॉपीज, लुक एट योर स्क्रीन केयरफुली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाट इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर। कि ये तो हमने याद कर लिया कि पीसी से क्या बनता है, पर्सनल कंप्यूटर। नाउ क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर, कि पर्सनल कंप्यूटर होता क्या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर which is used by one person at a time. Personal computer ऐसा computer होता है जो एक time में सिर्फ एक ही person use कर सकता है, which is used by one person at a time. Dear students, what is personal computer? And personal computer is a computer which is used by one person at a time. Now look at your screens carefully. Question number 2 is, what is a personal computer? Answer is,
अ पर्सनल कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। पर्सनल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको एक टाइम में सिर्फ एक ही इंसान यूज़ कर सकता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी लगा होगा। यस, बहुत ईजी है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, अच्छे तरीके से अपनी कापियों पे नीट एंड क्लीन आपने राइट भी करना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ डेटा। डेटा क्या होता है? विज ने हमें बताया था कि डेटा कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, किस लिए? कि वो उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने देखा था कि जो भी पिक्चर हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं कि हम कंप्यूटर में हमने एक अपनी पिक्चर एंटर की, फिर हम कभी उस पे मेकअप कर रहे होते हैं, कभी उस पे डिफरेंट और शेप्स बना रहे होते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, जो हमने पिक्चर एंटर की कंप्यूटर में वो क्या था? डेटा। इसके बाद हमने एग्जांपल देखी थी कि हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं 2+2 और कंप्यूटर हमें आंसर दे देता है। तो जो हमने एंटर किया कंप्यूटर में 2+2, तो वो 2+2 क्या था? हमारे पास डेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, डेटा हमारे पास क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज़ डेटा। तो सबसे पहले देखते हैं हम के डेटा की टाइप्स कौन सी होती हैं। यस, फर्स्ट टाइप होती है डेटा की नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी 2+2, तो ये जो नंबर हमने एंटर किए कंप्यूटर में, इनको हम कहते हैं डेटा। नेक्स्ट हमने जो एग्जांपल देखी पिक्चर की, पिक्चर एंटर करते हैं हम, तो डेटा की और टाइप क्या हो सकती है हमारे पास? पिक्चर। अंडरस्टैंड, नंबर 1 नंबर, एनी नंबर, एनी पिक्चर एंड एनी वर्ड विच वी एंटर इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा। जी डियर स्टूडेंट, व्हाट इज डेटा? एनी नंबर, पिक्चर एंड वर्ड विच वी एंटर इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा। कोई भी नंबर, कोई पिक्चर या फिर वर्ड्स जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, उसको हम कहते हैं डेटा। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि डेटा क्या होता है। नाउ लुक एट योर कॉपीज, लुक एट योर स्क्रीन। व्हाट इज़ डेटा? एनी वर्ड, नंबर और पिक्चर entered into the computer is called data. Question number 3 is, what is data? Answer is, any word, number or picture entered into the computer is called data. Once again, listen carefully and look carefully at your screen. Our question number 2 is, what is a personal computer? Answer is, a personal computer is a computer that is used by one person at a time. Question number 3 is, what is data? Answer is, any word, number or picture entered into the computer is called data. जी तो प्यारे बच्चों, आपने काम कैसे करना है? आपने अपनी कॉपी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रेडी करना है। किस तरह? कि आप लिखेंगे, यहाँ स्टार्ट से आप लिखेंगे डेट और डे मेंशन करेंगे, फिर यहाँ पे आप क्लास वर्क मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आप फर्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे चैप्टर नंबर 1, पेजेस हैं हमारे पास 229। सेकंड लाइन पे आप अपने चैप्टर नंबर 1 का नेम लिखेंगे और चैप्टर नंबर 1 का नेम है विज एंड कंप्यूटर्स। फिर उसके बाद आप लेड पेंसिल के साथ अपना काम करेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आपने पेंसिल को अच्छे से शार्प करके काम करना स्टार्ट करना है ताकि आपकी कॉपी ख़राब ना हो और आपकी राइटिंग बहुत क्लियर आए। तो जब आप स्कूल आएंगे फिर मैं आपका काम चेक करूंगी। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने कॉपी पे काम भी करना है और साथ में आपने ये क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं अभी तक, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये आपने अच्छे से याद भी कर लेने हैं।
ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें कोरोना की वबा से जल्दी जल्दी निजात दें, ताकि जल्दी से स्कूल खुलें और हम दोबारा से स्कूल आ सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।